नामजद कौन हुआ इस पे ध्यान ध्यान आपका है? नीचे कर लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो सपा की सरकार थी उसे गुंडों की सरकार कहते थे, उसी की सरकार में पैदा हुए ये अपराधी अपराध कर रहे हैं। मंत्री जी, कैसे आप कह सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी से गुंडे हैं? क्या नाम है? एक जाति के लोग अपराधी में दो बार FIR क्यों? आप देवरिया में आप बताओ FIR क्यों? FIR क्यों? नाम से क्या कोई अपराधी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। देवरिया जिसे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था। आपका कहने का मतलब यादव लोग गुंडे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं। क्या लगता है कहीं जाति से द्वंद क्यों हो रहा है? योगी आपकी भाषा तो यादव में ही। नहीं आप ये आप बोल रहे हो ना। संत कबीर नगर में सुभाषपा नेता नंदिनी राजभर की हत्या के बाद पार्टी के मुखिया और मंत्री ओम प्रकाश राजभर परिवार से मिलने पहुंचे। परिवार से मुलाकात के वक्त ओम प्रकाश राजभर ने सांत्वना के साथ ही साथ सुरक्षा का भी भरोसा दिया, लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर बाहर आए तो उन्होंने पूरे घटना को समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया और कहा कि ये सपा सरकार में पाले हुए गुंडे हैं। किया किसने? नामजद कौन हुआ इस पे ध्यान आपका है? नीचे कर लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो सपा की सरकार थी उसे गुंडों की सरकार कहते थे, उसी की सरकार में पैदा हुए ये अपराधी अपराध कर रहे हैं। आक्रेश में उन्हीं का नाम क्यों आ रहा है? कहीं भी घटनाएं हो रही, आप देवरिया को उठा कर देखिए, उसी का नाम आया। यहाँ भी घटना में दोनों बार के FIR उठा के पढ़िए, क्यों आ रहा है? तो जो वर्तमान सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है वो कानून का राज कायम करने के लिए पूरी ताकत लगाए, जनता को राहत है और जनता विश्वास कर रही है, क्योंकि पूरे देश में कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, कहीं कर्फ्यू नहीं हो लगे हैं और पूरे जो गरीबों के विकास की योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुंच रही हैं। इस बात को लेकर के आपके इस खलीलाबाद में कुछ ऐसे शरारती तत्व तो हैं जो गरीबों को शराब पिला करके नशे में ले जा करके बैनामा करा लेते हैं और करा करके जब वो पैसा मांगने जाता है तो उसको डरवा धमका करके या तो उसको विवश करते हैं, वो अब जा करके कहीं हत्या कर लेता है या वो खुद मारते हैं। दरअसल नंदिनी राजभर की हत्या के मामले में पुलिस ने श्रवण यादव समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। इसमें ध्रुव यादव और कमला यादव समेत 4 लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में जब ओम प्रकाश राजभर ने जाति विशेष को मुद्दा बनाते हुए समाजवादी पार्टी का नाम लिया तो उनसे सीधा सवाल पूछा गया। ऐसे में राजभर देवरिया में हुए हत्याकांड का जिक्र करने लगे जिसमें भी एक पक्ष की जाति यादव थी। हालांकि जब पत्रकारों ने नए नवेले मंत्री ओम प्रकाश राजभर को इस मुद्दे पर घेरा तो वो मामले को घुमाते नजर आए। अब देखिए, जो घटना पहले इसकी हुई, जो व्यक्ति की जमीन लिखवा ली गई, वो जब पैसा मांगने गया तो नहीं मिला तो जाकर के टिन पे अपनी खुद जान दे दिया, उस केस को पैरवी करने के लिए नंदिनी जी पैरवी कर रही थी तो उसको बार बार धमकी भी मिल रही थी कि आप उस केस में पैरवी न करो। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है और इस जांच के लिए, पूरी घटना की जांच के लिए आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा प्रशासन फेल है, यहीं आपके SP लगे हुए हैं, CO लगे हुए हैं, DM लगे हुए हैं, IG लगे हुए हैं, प्रमुख सचिव गृह लगे हुए हैं, हम पूरी सरकार लगी हुई है, कहाँ हम लोग फेल हैं? कोई निजी मामला तो नहीं इसमें स्वार्थ अपना साथ रहा है? मंत्री जी, कैसे आप कह सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं? क्या नाम है? एक जाति के लोग अपराधी में दो बार FIR क्यों? आप देवरिया में आप बताओ FIR क्यों? FIR क्यों? नाम से क्या कोई अपराधी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। देवरिया भाजपा में ही भजनलाल शर्मा। हम आपसे पूछ रहे हैं, देवरिया घटना का हमको जिक्र बता दो, वहाँ ब्राह्मणों की हत्या हुई, किसने किया आप बताओ? अगर जबान में छेद है तो बोलो कौन किया? यही हत्या हुई तो किसने किया, किसने करवाया? सुनो भाई, आप कोई नहीं करवाया, कोई निजी मामला? हम आपसे पूछ रहे किसने करवाया, बताओ आप? कोई निजी मामला तो नहीं अपना स्वार्थ साध रहा है? नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में सहमिला अगुंडे पैदा हुए, अपराध करने लगे जिसे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था। आपका कहने का मतलब यादव लोग गुंडे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं। क्या लगता है? कहीं जाति से द्वंद क्यों हो रहा है? योगी आपकी भाषा तो यादव में ही। नहीं आप ये आप बोल रहे हो ना, ये तो आप बता रहे हो, FIR आक्रस में आमने सामने क्यों हो रहा है? फिलहाल ओम प्रकाश राजभर इस पूरे मुद्दे को सपा से जोड़ रहे हैं और अपनी सरकार की कानून व्यवस्था को डिफेंड कर रहे हैं।
वैसे आपको बता दें कि 10 मार्च को संत कबीर नगर के डीहा गांव में सुभाषपा नेता नंदिनी राजभर की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। इस पूरे घटना के पीछे एक स्थानीय जमीन विवाद को बताया जा रहा है। संत कबीर नगर से आलमगीर की रिपोर्ट, यूपी तक।